नमस्कार अर्गसर विशेष उपस्थापना वीरंक जयंती को स्वागत करछी मुजिनबाय दशम बंधु आसंता काली बा 23 तारीख रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती एथिपाई कटक रे सजी होईछि नेताजी भवन बा नेताजी को म्यूजियम तबे दर्शक बंधु किबळे रहीछि प्रस्तुति ए संपर्क रे जानबा पई सदासळ कटक को जिबा एवं कटक रे जानकीनाथ भवन बा नेताजी को म्यूजियम रे उपस्थित अछंती हम प्रतिनिधि इमरान खान जुड़ी आम सहित इमरान चलित वर्ष बा आसंता काली को नेताजी 125तम जन्म जयंती एवं वर्तमान तांकर जन्म जयंती को बा आसंता काली को पराक्रम दिवस भाबे मध्य पालन करा जाउछि तबे किबळी रहिछि प्रस्तुति चिन्मय देखन्तु आम देशर स्वाधीनता संग्रामरे जौट जाको कहुन्तु आमा जाहाको आमी कहुचु महान संग्रामी बा आजादीन फौजर प्रतिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोसंक आसंता काली होची 125तम जन्म जयंती एवं तांको जन्म जयंती को समग्र देशरे पराक्रम दिवस भाबरे पालन करबा पई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्ये घोषणा करचेंती एवं ताहाकु नेके केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति मध्ये प्रकाश पाइछि एवं समग्र देशरे प्रति वर्ष 23 जनवरी को नेताजी जयंती नुहे बरं पराक्रम दिवस भाबरे पालन कराकि केन्द्र सरकार घोषणा करते कि पूर्व पूरापूरी भाव में समग्र देश में उत्साह माहौल देखा मिली कि पूर्व आम कहींपर नेताजी जो जन्मग्रहण करते जो कटक ओडिया बजार ठार जन्मग्रहण करते जहाँकि आजिका सुधा ताक संग्रहालय कर आम बर्तमान से उपस्थित अच्छा आसंता का विभिन्न कार्यक्रम रही दृश्य बर्तमान देखेबी एवं बर्तमान प्रस्तुति चलती आसंता का जेहे 125तम नेताजी जन्म जयंती पराक्रम दिवस रही से प्रस्तुति करलोकमाल बर्तमान सजा होती नेताजी जन्मस्थान जहाँ बर्तमान संग्रहालय कर फुलमाल सजा जाइए सीधा सड़क दृश्य देखिए नेताजी मूर्ति रही मूर्ति में फुलमाल बर्तमान लग जाइए और जो रही पूरापूरी भाव में ये आलोकमाल पूरापूरी भाव में सजा होती नेताजी संग्रहालय और नेताजी जेहेतु ये जन्मग्रहण करते जन्मस्थान यहाँ रही जन्मस्थान पर किसी दिन पर कहींपर इ मेडिकल परवर्त अवस्था पुणी थे संग्रहालय करागला और संग्रहालय अनेक नेताजी स्मृति सबू ये साहित्य रखा जाए जहाद्वारा कि लोक मैंने प्रत वर्ष नेताजी जयंती पूर्व यह संग्रहालय को खोल जाए ये लोक सब आसती पर्यटक मैंने आसती बुलाबूली करती परिदर्शन करती नेताजी विषय सब स्मृति जहाँ जहाँ सब नेताजी रही से देखते नेताजी इतिहास पढ़ी जेहेतु प्रत वर्ष 23 जनवरी को नेताजी जन्म जयंती भाव में पालन करु आसंता काल ठार्क पराक्रम दिवस भाव में पालन हो दृश्य देखते ये दृश्य होती नेताजी जो जो रही है घोड़ा रही है घोड़ा जो टर्म कहती जहाँ आम कहूँ जहाँ टमटम जहाँ कहते हिंदी रे तो सेटा होची नेताजी थी वर्तमान ये जेहेतु नेताजी यहाँ व्यवहार करते जेहेतु तार ओरिजिनल बर्तमान ना कि स्टाच्यू मध्यम आपको ये साहित्यिक रखा जाए ये हूँ नेताजी जो घोड़ा नेताजी जो घोड़ा नेताजी चढ़ुते से घोड़ार ये रही जो स्टेबल कहते घोड़ा मानकर यहाँ ये रही जोठे नेताजी घोड़ा रखुते कि घोड़ा जगह बर्तमान प्रतिमूर्ति रखा जाए जो पर्यटक मैंने आसवे या देखिए जानवे और अनुभव करें इतिहास रही कटक को लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इतिहास रही जो जन्मस्थान रही निहत भाव में गोटे आकर्षित गोटे रही बर्तमान लोक मैंने आकर्षण हमें आकर्षित हमें नेताजी विषय समस्त जानी था जेहेतु आप जानते आसंता का कार्यक्रम रही से सांस्कृतिक कार्यक्रम आसंता का विभिन्न प्रकार व्यवस्था कर प्रस्तुति बर्तमान चलती अनेपटे घटनास्थल बर्तमान स्थित जिलापाल भवानी शंकर चयनी और अन्य अधिकारी मैंने आसिक पहुंची सारी से स्थितर अनुधान बर्तमान कर पर्यटक मानी जेहतु संध्या 5टा जाए समय से जावासवा करते बंद हो जो अधिकारी मैंने रही से उपस्थित बर्तमान होती आलोकमाला पूरापूरी भाव में सजा होती नेताजी जन्मस्थान आम सहित किसी पर्यटक व नेताजी कटकवासी अच्छा जो मैंने यही विषय पर सब अधिक जानी था सहित मैं आलोचना करवा जेहतु आप कटक रोच्च कटकवासी अच्छा आसंता का नेताजी जन्म जयंती को पराक्रम दिवस भाव में पालन करते अनुभव के खुशी बर्तमान अच्छे आमर यही पराक्रम दिवस पालन करने पक्ष किसी नवजुवक मैंने उत्साह प्रदान कर गोटे सामाजिक अनुष्ठान नेताजी सुभाष सेना नाम गठन करते जार सभापति मु अच्छी देश प्रेमीर पराक्रम दिवस पालन पक्ष आमर ओडिशारु आम 8 लक्ष दस्तखत अभियान करूँ माननीय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी को मध्य कोरियर जोगे प्रदान करूँ केवल तांकर जन्मदिवस को पराक्रम दिवस रूपे पालन करवा तो ठीक नुहे जेकोसी जो डिजोटेड हिस्ट्री नेताजी होती
अखंड भारतर प्रथम प्रधानमंत्री आउ सी सत्य पाई सत्ता को मध्य त्याग करथिले। आउ आमर स्वाधीनता दिवस होउची एप्रिल 14 तारीख 1944 मसीहा, तापर होउची शहीद स्वराज द्वीप आंडामान द्वीप निकोबर द्वीपपुंज को नामित करा जाऊ, कहीं सेठी कलापाणी सजा बहुत आईएनर भेटरान मैंने भोग करते कर्नल शौकत अली मल्लिक यहीपरी भाव बहुत कष्ट देशर स्वाधीन को छड़ाई आनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 वर्ष बयस घर त्याग करते केते दिन आउ भारतीय मानू इंग्रेज माने तांको चश्मा देखौथिबे आमर पराधीनता को, तेणु एमाने सब स्वाधीनता को चखेबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस तांकर बलिदान भारतीय मानू भारतीयतार निदर्शन देखाई। जो चिन्मय आप शुणुले प्रतिक्रिया कटकवासी एवं जेहेतु नेताजी सुभाष सेना नाँ मत संगठन करेतु से नेताजी प्रति अधिक आट्राक्ट अधिक से इमरान सुभाष चंद्र बोस जहाँ अवदान रही देशवासी अतुलनीय, किंतु जेहेतु तांकर जन्मदिन बा 125तम जन्म जयंती केन्द्र सरकार तरफ बा केन्द्र मंत्रालय तरफ आसंता काली को पाइक बा जो पराक्रम दिवस भावे मध्यम पालन करा उचित। तबे किसी समय पर इमरान आपको अटकवाक चाहिए एवं आपरे आम वर्तमान विश्वजित पाख को जीवा। विश्वजित कटक रु आम सहित जोड़ी होती। विश्वजित वास्तविक भाव में जो देखा जे कोविड 19 रो जो गाइडलाइन रही था ता भितर जदिओ बा राज्य रे सबू पर्यटन स्थली कथा कहबा एवं मंदिर मानक कथा कहबा सब गुडी खोली, किंतु वर्तमान सुधा मध्य जो म्यूजियम रही म्यूजियम पई अनुमति मिले ना, किंतु आसंता काली जेतेबेले 125तम जन्म जयंती रही सुभाष चंद्र बोस एथि पई पूरा कटक रो जानकीनाथ भवन मध्य पूरा सजी होई अनेक पर्यटक मनर मध्य दुख थिबो जे यहाको देखिबा पई पर्यटक माने आसी पारबे ना। निश्चित भाव चिन्मयी जहाँ कहते आप कि राति पाइले नेताजी 125तम जयंती एवं ताकु पूरा देश में पालन कर मोदी कही पराक्रम देश भाव में पालन कर दिवस को पालन करश्चित भाव में आम कहीपर कल पर्यंत देखा सब प्रकार बंद थी जेहेतु कोविड गाइडलाइन थी म्यूजियम को बंद कराइला, किंतु काली स्वतंत्र भाव में नेताजी जयंती जेहेतु रही भाव में अनुमति मिल जो दर्शक मैंने आसवे से देखिपारे अनेक दर्शक आसुले फेरुले आम प्रतिक्रिया मन दुख फेरुले जेहेतु से कह कथा सब खोल कि जेहतु म्यूजियम खोली ना से मन दुख करते कि बड़ कथा जानकीनाथ भवन जो ओडिया बजार रही नेताजी जन्मस्थान सेठारे ये होची दृश्य मु बाहर देख आप जो दृश्य देखाऊँगी आ राति पाइले जेहेतु जन्म जयंती 125तम जन्म जयंती यहाँ पराक्रम दिन भाव दिन दिवस भाव में पालन करें पूरा जाक जमक सजा जा पूरा जो म्यूजियम टी रही पूरा जाक जमक सजा जा लाइट्र आलोकमाला और तार सहित फूल सजा जा निश्चित भाव में किसी समय पर निश्चित भाव में जे इनचार्ज तक आम प्रतिक्रिया नबू, कितु बड़ कथा हो जिलापा निजे उपस्थित अच्छा पूरा समीक्षा करुँच कारण का सकाल 7:45 जहाँ रही सूचना आम पाखे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसी पहुँचे फूल पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे ता सहित कल मुख्यमंत्री पाखापाखि 11:20 समय आसवे पहुँचे यहीठार जेहेतु जहाँ जहाँ रही सब गाइडलाइन से ही गाइडलाइन अनुसार प्रथम जितेबाला केन्द्रमंत्री आसवे 7:45 मुख्यमंत्री आसवे पुष्पमाल्य अर्पण करने समस्त खोला रो दर्शक आसुए जो मैंने फेरुले से खोला रही देखिपर कारण ए बर्ष चलित बर्ष कह गोटे छोटी फटो पुणी नुआ कर आसी एवं छोटी फटो रही जे रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जे झील थे झील जो बड़े शेख बजार आसते शेख बजार आसते से छोटी फटो सी जन घर को जे रही विश्वजित सुर घर को आसते से ही फटो स्थान दि जाए चलित बर्ष छोटी फटो नुआ स्थान पाई आउ गोटे कथा हूँ किसी बही नेताजी उपर कि बही एस सी मेडिकल जो डक्टर लिखिंट ताकूर उन्मोचन करा सूचना रही आम पाखे कि चलित बर्ष लोक आकर्षण रोज छोटी फटो जी कटक आसी
जाते कटक जन पर जाते विशेष सुर जहाँ पर जाते छटी फटो स्थान पाई चल वर्ष नुआ करगुड़ी ग्यालेरी में रखा जाइए और जो मैंने दर्शक आसवे से गुड़िक देखा सुजोग पाए अंपटे आप जानते यू नेताजी जो जन्मस्थान पाखापाखि षोह वर्ष धरिक रही है तेज़ से हायर एजुकेशन पुणी कलिकता पढ़ाई थे कि षोह वर्ष पर्यटन से यहाँ रही है छुआ बड़ू जो ओडिया बजार रही है जानकीनाथ भवन यही रोते निश्चित भाव में कहीपर जो म्यूजियम आपड़ कहते कि दीर्घ दिन है पाखापाखि मार्च मस बंद हो पड़ा कि दुई दिन पूर्व जिला प्रशासन जाक अनुमति दे खोलने जहाँ रही सूचना का लोक सुजोग मिल जावाई पाखापाखि प्रतिदिन एटाक लोक शहश लोक आसता देखापी कि अधिक लोक रे कारण जेहतु जन्म जयंती रही निश्चित भाव में अनेक लोक आसवे से कोविड गाइडलाइन व्यवस्था करोड गाइडलाइन की फॉलो करा जीवो सैनिटाइज मास्क बाध्यतामूलक करगुड़ी सब फॉलो कराई लोक मन को अनुमति मिल निश्चित भाव में विश्वजित यह एक खुशी कथा जो पर्यटक मैंने जदि आसंता का म्यूजियम जाने से सब चित्र देखिपारे से अलाउ कर तेज विश्वजित परवर्त समय आपको फेर बर्तमान जावाई चाहिए जे इम्रान पाखक इम्रान वास्तविक भाव में जीक आम पाखे सूचना अच्छी जे वर्तमान केन्द्र सरकार पक्षर समस्त प्रस्तुति सरी कि राज्य सरकार पक्षर से किसी गुरुत्वपूर्ण प्रस्तुति कर देखो तो चिन्मय जो नेताजी जयंती को जेहतु पराक्रम दिवस भाव में पालन होगा आसंका प्रस्तुति जेहतु रही राज्य सरकार पक्षर केवल जेहतु नेताजी जन्मस्थान जोटा को संग्रहालय वर्तमान करग्रहालय केवल विशेष कार्यक्रम सब रही जो तरह संग्रहालय में छटी जो विश्वजित आम प्रतिनिधि किसी समय पूर्व कहते छटी नेताजी जो फोटो होता है अणाई संग्रहालय में रखा और फोटो गैलेरी जो कर लोक मैंने पर्यटक मैंने जी आसवे यहाँ से मैं प्रदर्शन कर पूर्व आप देखिथे ये केवल नेताजी संग्रहालय में जो कार्यक्रम रही है संग्रहालय में जो सब पुराणा जिन सब जो स्मृति रही नेताजी ये साइत रखा जाए पर्यटकों पर प्रदर्शन आम सहित ये अच्छा अनेक अधिकारी जिलापाल निजे आसिक पहुंचे सी एम सी अधिकारी मैंने ये आसिक पहुंचे सीधा सड़क आलोचना करेंगे आम सहित अच्छा कटक महानगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी अच्छा डॉक्टर सत्यव्रत प्रधान महापात्र सहित आलोचना करेंगे सर जो आसंता का नेताजी जयंती अच्छी पराक्रम दिवस भाव पालन कर स्थिति देखो वर्तमान आमर आसंता का जो आम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विजिट अच्छी आमर जो जयंती नेताजी आमर एटा बर्थ प्लेस तेणु तार आम वर्तमान पूरा मात्रा रे प्रस्तुत अच्छु आसंता का तेणु सी एम आसिक सनशाइन फील्ड रे हेलिकॉप्टर रे ओल्लापर से आसवे गार लैंडिंग अच्छी तेणु से आम संपूर्ण भाव में सी एम सी प्रस्तुत अच्छे सर जेहतु प्रति वर्ष नेताजी जयंती पालन करथर मैं पराक्रम दिवस पालन केन्द्र सरकार घोषणा करती आसंका मुख्यमंत्री आसे आसिक स्थिति देखिए सी एम सी के राज्य मैं जिला प्रशासन पक्ष के व्यवस्था सब रही है सब लोक आकर्षण करने कौन सब जिन देखो ये रोल प्ले हम एवं विभिन्न ब्लड डोनेसन क्या से पराक्रम दिवस कराई कल ता संगरे आमर सानिटेसन एक्टिविटीज कंटिन्यू करुच्ची आगामी काली कंटिन्यू कर तेणु विभिन्न प्रकार छोट छोट एक्टिविटीज काली कराव सेम से एरिया मध्य कटकी आम अच्छा आम कटक रोचु नेताजी ये जन्म करते आमको निज गर्व अनुभव होजात भाव में अन्य जो अच्छा कटकवासी समग्र देशवासी से गर्व अनुभव करते हैं आम कटकवासी को नहीं आम गर्वर कौचे कि नेताजी जन्म स्थान जो जन्मग्रहण करते आम रोचु हाँ निश्चित भाव में एथेर किसी सन्देह नाई एत बड़ जदि महापुरुष आम मध्य आम एरिया जन्मग्रहण करमें निश्चिंत भाव में खाली जे इंडिया नो इंडिया बाहर मध्य आम निजक गर्वित अनुभव करुच्छ कहीक आम नेताजी आम जगार जन्मग्रहण करते बड़ महापुरुष को ए मटी आम यू एत एंजय करुचु तार कल्पना करहबनी बहुत धन्यवाद चिन्मय आम सहित अधिक आलोचना करते सी एम सी अधिकारी सी एम सी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सत्यव्रत महापात्र से जहाँ कि सब आलोचना करुते सूचना दौले आसंता का जेहतु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसवे संग्रहालय नेताजी जन्मस्थान से प्रदर्शन करेंगे ताप जिला प्रशासन तरफ पूरापूरी भाव में प्रस्तुति कर विभिन्न कार्यक्रम रखा जाए जिला प्रशासन पक्षर जिलापाल निजे आसिक उस्थित होती से स्थित अनुधान करते जेहतु आसंता का कार्यक्रम रही है सीधा सख्त सहित आलोचना करवा सर आसंता का मुख्यमंत्री केन्द्रमंत्री आसवे संग्रहालय कमी कौन सब व्यवस्था कर जिला प्रशासन पक्ष पदक्षेप नेताजी जयंती उपलक्षे आसंता काली आमर पुष्पमाल्य अर्पण एवं
ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଇଷ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ କାଲି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନେତାଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଉଷା ମେଳାରେ? କାଲି ଆମର ଏଠି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହୁଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମର କରାହେଇକି ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛୁ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିକି ଯେଉଁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନେତାଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେଇ କଟକ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚଇନି। ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସିବେ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆସିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରେ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଯେହେତୁ କଟକ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ମହାପୁରୁଷ ବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ। ତେବେ ଇମ୍ରାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲିର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନା ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜାଣିବା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ 7:45 ସମୟ ରହିଛି, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ରହିଛି 11:20 ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେତେ ଜଣ ବି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବଛା ଅଫିସର 2 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP, ତା ସହିତ ବଛା ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କାରଣ କାଲି ଯାହା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ରହିବ ଯେହେତୁ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ନେତାଜୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ DCP ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଜି କ୍ୟାର୍କେଟ୍ କିଭଳି ଆସିବ, କିଭଳି ଯିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବ, ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାର୍କେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଗର୍ବ କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଦିନ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।